अब हम सीरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़मन में उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम शहादत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखेंगे। पिछले दरस में मैंने आपको बताया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर इन्होंने हमला किया और जंग हुई। इस ज़मीन में जब एक मुख्तसर सी जमात रह गई थी जो हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा कर रही थी, तो उस वक्त हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और फिर उस जमात में शामिल हो गए और खड़े हो गए और फरमाया, मैं तुम्हारे लिए नमूना हूँ और ये वो दिन है जबकि जंग करना बहुत ही उम्दा है। फिर लोगों से मुखातिब होकर कहने लगे, या कौम, ऐ मेरी कौम, मालियादउकुम इला नजाती व तदउननी इला नार, तुम्हें क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें, मालिया क्या हो गया तुम्हें, अदउकुम इला नजा, मैं तो तुम्हें बुलाता हूँ निजात के रास्ते की तरफ, व तदउननी इला नार, और तुम मुझे आग की तरफ बुलाते हो। उस दिन मरवान भी आगे बढ़ा और ललकार कर बोलने लगा कि भाई कोई मर्द है। चुनाचे कबीला रैस का एक आदमी आया जिसका नाम नुबा था। मुकाबला हुआ, दोनों का मुकाबला शुरू हुआ। मरवान ने इसकी टांगों के निचले हिस्से पे तलवार मारी, दूसरे आदमी ने मरवान की गर्दन पे तलवार मारी। जैसा कि मैंने आपको पिछले दर्स में बताया तो मरवान जमीन पे गिरा, वो यही समझे कि मरवान मर गया। उसको उठा के फिर मरवान का गुलाम जो है वो एक करीबी बुढ़िया के घर में ले गया, जैसा कि हमने पिछले दर्स में पढ़ा। तो बहरहाल फिर उसके बाद हर फरीक अपने अपने आदमी को उठा कर ले गए। मुगीरा बिन अखनस ने ललकार कर कहा कि कोई मेरे मुकाबले के लिए निकलता है, तो उनके मुकाबले के लिए भी एक आदमी निकला और वो दोनों बहादुरी के साथ जंग करने लगे, रिज्जिया अशार पढ़ते थे। आखिर में लोगों ने मुगीरा बिन अखनस को शहीद कर दिया। अच्छा, इनका जो कातिल था उसने जब इनको शहीद किया तो उसने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस पर जो उनका बड़ा था ना अब्दुर्रहमान बिन उदैस, उसने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, जिस तरह सोया हुआ कोई ख्वाब देखता है, इस तरह जब मैंने इन्हें शहीद किया तो मैंने ये देखा कि मुगीरा बिन अखनस के कातिल को दोजख की बशारत हासिल हो, ये अल्फाज मुझसे कहे गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा, ये मैंने क्या कर दिया, मैं किस चीज़ में मुब्तला हो गया कि अपने लिए मैंने जहन्नुम का गढ़ा खुद खोदा और सहाबी रसूल को शहीद कर दिया। इसी तरह खब्बास के नानी ने नियार बिन अब्दुल्ला सलमी को कत्ल कर दिया। फिर ये लोग हजरत उस्मान के घर में घुस आए, जब इसको चारों तरफ थे तो ये फिर अब घबरा गए कि भाई हमने घेरा तो मार दिया है, अब चारों तरफ से घुस तो आए लेकिन आखिर आगे कौन बढ़े, कौन हिम्मत करे। तो इन बागियों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने के लिए किसी शख्स को बुलाया। चुनाचे एक शख्स इसके लिए तैयार हुआ और वो घर के अंदर भी दाखिल हो गया और कहने लगा कि आप माजूल हो जाएं तो हम आपको छोड़ देंगे। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, तुम पर अफसोस है, बखुदा सुनो, तुम किसके माजूल होने का कहते हो, मैं तो वो हूँ कि ना तो दौरे जाहिलियत में और ना तो दौरे इस्लाम में मैंने किसी औरत से कभी बदकारी नहीं की और ना मैंने कभी गाना गाया और ना कोई बुरी तमन्ना की, और जब से मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर बैयत की है। सुनो, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुजूर ने जो फरमाया था ना कि उस्मान बहुत हयादार है, तो सुनो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क रसूल भी सुनो। कहते हैं कि जब से हुजूर के हाथ पर बैयत की है उस हाथ को कभी अपनी शर्मगाह पे भी नहीं लगाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी 50 साल के अरसे में जो उन्होंने इस्लाम में जो जितना वक्त गुजारा, 50 साल के करीब का जो वक्त है, उसमें एक दफ़ा भी वो हाथ अपनी शर्मगाह पे नहीं लगाया। इतना एहतियात कि इस हाथ ने हुजूर के हाथ को मस किया है, ये हाथ में अपनी शर्मगाह पे कैसे लगा था। अल्लाह अकबर। ये इश्क़ रसूल मेरा भाई कहाँ से लेके आओगे। अल्लाह अकबर। फिर हजरत उस्मान कहते हैं, सुन, वो कमीज जो अल्लाह ने मुझे पहनाई है वो खिलाफत की कमीज मैं नहीं उतारूंगा, मैं अपने इस मुकाम पर कायम रहूंगा ताकि अल्लाह नेक बख्तों को इज्जत अदा फरमाए और बदबख्तों को जिल्लत। इस पर वो शख्स वहां से निकल आया। लोगों ने उससे पूछा कि तुमने क्या किया, वो बोला, बाखुदा हम तो मुअल्लक हो गए, बिल्कुल अटक गए बीच में, इन्हें हम कत्ल करने आए हैं, इनको कत्ल किए बगैर चारा भी कोई नहीं, मगर खुदा की कसम इन्हें कत्ल करना हक नहीं है। इसके बाद उन्होंने कबीला लैस का एक आदमी भेजा। आपने इससे पूछा कि तुम कौन से कबीले से हो, वो बोला मैं लैसी हूँ। आपने फरमाया, अच्छा भाई तुम मेरे साथी कातिल नहीं हो, वो बोला कैसे। आपने फरमाया, क्या तुम चंद अफराद के साथ आए थे, इस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दुआ दी थी कि तुम इस किस्म के दिनों में महफूज रहोगे। वो बोला हाँ मुझे याद है कि हुजूर ने मुझे ये दुआ दी थी। आपने फरमाया, इसलिए तुम तबाह बर्बाद नहीं होगे।
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसके बाद वो ये बात सुनकर लौट आया और अपनी जमात को छोड़कर चला गया कि हुजूर ने जब मुझे कहा था, उसको याद आया ना, भूल गया था कि हुजूर ने मुझे कहा था कि दौरे फितन आएगा तो अल्लाह तुझे महफूज रखेगा। तो अब देखें ना अल्लाह ताला कैसे बचाते। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले हालात की कैसे खूबसूरती से खबर दी। अच्छा, इसके बाद इन लोगों ने कबीला कुरैश का एक शख्स भेजा। इसने कहा उस्मान मैं तुम्हारा कातिल हूँ। आपने फरमाया हरगिज नहीं, तुम मुझे कत्ल ना करो। वो बोला क्यों? आपने कहा देखो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला दिन तुम्हारे लिए इस्तग़फार की थी, इसलिए तुम खून के मुर्तकिब नहीं होगे। इस पर वो इस्तग़फार करता हुआ लौट गया। अल्लाह अकबर, इसने भी अपने साथियों को छोड़ दिया। इतने में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान के घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। आपको याद होगा कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो है ना उलमाए यहूद में से थे और ये बिल्कुल मदीने के शुरू के ज़माने में मुसलमान हुए थे। और जब ये मुसलमान हुए थे तो मदीने के जो यहूद थे वो इनके खिलाफ हो गए थे। इसका बड़ा तफसील के साथ हम सीरतुलनबी में जो है वो अब्दुल्ला बिन सलाम के टाइटल से जो हमने दर्स दिया था उसको आप सुन सकते हैं कि उनके पूरे इस्लाम लाने का जो वाक़ आपके सामने वाज़े हो जाएगा। बहरहाल तो ये हज़रत उस्मान के घर के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और इन लोगों को इनके कत्ल से मना करने लगे। वो कहते थे कि ए लोगों, तुम अपने ऊपर अल्लाह की तलवार को ना निकालो, बखुदा अगर तुम इस तलवार को नियाम से बाहर निकालोगे तो तुम उसे नियाम में नहीं रख सकोगे। तुम पर अफसोस है कि तुम्हारा हाकिम आज तुम्हारे सामने मौजूद है और तुम अगर इसे कत्ल करोगे तो आने वाला हाकिम बज़ोर शमशीर तुम पर हुकूमत करेगा। ये बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारा मदीना फरिश्तों की हिफाजत में है, बखुदा अगर तुमने इसे कत्ल कर दिया तो वो फरिश्ते इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। इस पर लोगों ने कहा ए यहूदी औरत के बेटे, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, यानी इस्लाम में आने के बाद हुजूर ने ऐसे ताने देने से मना फरमाया है। हमारे पास भी लोग ये गलती करते हैं कि कभी बातों बातों में वो लोग जो नए मुसलमान हुए हैं उन्हें उनकी पिछली ज़िंदगी का ताना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हुजूर ने मना फरमाया है। और यहाँ पे भी उन्होंने यही गलती की तो इनको इनके पिछले दीन से बुलाया, हालाँकि वो तो मुसलमान थे और पक्के मुसलमान थे और सहाबी रसूल हैं। मदीने में आने के बाद हुजूर की तशरीफ आवरी के बाद अवाइल दौर के मुसलमान हैं, तो कहने लगे ए यहूदी के बेटे तुम्हारा इन बातों से क्या ताल्लुक। तो जब उन्होंने लोगों के ये तेवर देखे तो वापस चले गए। आखिरी शख्स जो अंदर जाकर वापस आ गया वो मोहम्मद बिन अबी बकर थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे फरमाया तुम पर अफसोस है, क्या तुम अल्लाह पर गजबनाक होते हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई जुर्म किया है? अलबत्ता मैंने तुम्हारे साथ हक व इंसाफ से काम लिया। इस पर वो भी लौट गए। तो इसी ज़मन में जो बास तफसीलात जो हैं वो अबुल मुअतमर हसन के हवाले से जो बयान की जाती हैं वो यही है कि मोहम्मद बिन अबी बकर हज़रत उस्मान के पास पहुँचे और उन्होंने इनकी दाढ़ी पकड़ दी। इस पर हज़रत उस्मान ने इनसे फरमाया तुमने जिस चीज़ को पकड़ा है और जिस तरह मेरे साथ सलूक किया है, क्या तुम्हारे वालिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इसे नहीं पकड़ते थे और ना मेरे साथ ऐसा सलूक करते थे? इस पर इसने इनको छोड़ दिया और मोहम्मद बिन अबी बकर जो है वो वहाँ से चले आए। इसके बाद एक खूनी कातिल जिसे सिया मौत कहा जाता था उसने आपका गला घोंट दिया और फिर इसे हिलाकर चला गया। वो कहता है मैंने इनके हलक से ज़्यादा नरम चीज़ नहीं देखी, जब मैंने इनका गला घोंटा तो मैंने महसूस किया कि इनकी रूह जिन्नात की रूह की तरह है, इनके जिस्म में हरकत कर रही थी। अबू सईद की रिवायत है कि एक शख्स हजरत उस्मान के पास आया तो आपने फरमाया मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब है। इस वक्त आपके सामने कुरान करीम था, इस शख्स ने तलवार से इस पर हमला किया तो आपने अपने हाथ से इसको रोका तो आपका गला कट गया। अबू सईद की रिवायत के मुताबिक के अलावा एक और दूसरी रिवायत भी आती है कि जिसके अंदर है कि जब वो आदमी अंदर आया तो इसने भाला मारा जिससे इस आयत करीमा पर आपका खून गिरा। فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, इनके मुकाबले में अनकरीब अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा और वही सुनने वाला और जानने वाला है। तो रावी का बयान है कि वो खून इसी तरह कुरान करीम के इस नुस्खे पर चिपका रहा, इसे साफ नहीं किया गया। अबू सईद की रिवायत के मुताबिक आपकी ज़ौजा मुहतरमा बिनतुल फुरासा को आपकी शहादत का इल्म हुआ तो वो नोहा करने लगी। बहरहाल फिर और कुछ तफसीलात आती हैं, वो भी हम तमाम रिवायतें आहिस्ता आहिस्ता करके देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवायतें हैं और हर रिवायत में कुछ ना कुछ तफसील है, इसलिए इन तमाम रिवायतों को हम यहाँ जमा कर रहे हैं।
ताकि ये चीज़ आसान हो जाए कि एक एक चीज़ जो उस ज़मीन में हुई थी वो आपके सामने आए। तो बहरहाल आखिरी शख्स जो अंदर जाकर वापस आए वो मोहम्मद बिन अबी बकर थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इनकी बात हुई, फिर वो लौट गए। जब मोहम्मद बिन अबी बकर निकल आए और लोगों ने देखा कि वो भी शिकस्ता दिल हो रहे हैं, तो क़तीरा सूदान बिन हिमरान, ये दोनों कबीला सुकून से ताल्लुक़ रखते थे और कूफे के रहने वाले थे, इस काम के लिए तैयार हुए। इन दोनों के साथ गाफ़गी भी शरीक था। गाफ़गी ने इन पर लोहा मारा जो इसके साथ था और कुरान करीम के नुस्खे पर लात मारी जो घूम कर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आ गया और इस पर इनका खून गिरा। सूदान बिन हिमरान ने भी हज़रत उस्मान पर तलवार का वार करने के लिए पहुँचा तो नाइला बिन तफराफ़सा जो आपकी ज़ौजा मुहतरमा है इसके दरमियान हायल हुई और इसकी तलवार पकड़ ली जिससे इनके हाथ की उंगलियां कट गईं। आखिरकार इसने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पर तलवार की ज़र्ब मारकर इन्हें शहीद कर दिया। इस वक्त कुछ लोगों के साथ हजरत उस्मान के गुलाम भी मौजूद पहुंचे ताकि वो आपकी मदद कर सकें। हजरत उस्मान ने इन गुलामों को आज़ाद कर दिया था। जब उन्होंने देखा कि सूदान ने आप पर तलवार का वार किया है तो कुछ लोग इस पर हमला आवर हुए और इसकी गर्दन मारकर इसे कत्ल कर दिया। इस पर क़तैरा ने गुलाम पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। फिर इन बागियों ने जो कुछ घर में था वो सब लूट लिया और घर के लोगों को निकाल दिया। फिर घर को बंद कर दिया। वहां 3 लाशें थी। जब वो घर से निकले तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे गुलाम ने क़तीरा पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। इन लोगों ने गश्त किया और जो कुछ इन्हें मिला वो छीन लिया, यहाँ तक कि ख़वातीन के बदन पर जो जेवर थे उसे भी छीन लिया। एक शख्स ने हजरत नाइला की चादर छीन ली, इसका नाम कुलसोम बिन नुजैब था। हजरत उस्मान के गुलाम ने इसे देख लिया तो इसने इसे कत्ल कर दिया। घर में उन्होंने ऐलान किया कि बैतुल माल को हासिल करो, इसकी तरफ न बढ़ो। बैतुल माल के मुहाफिजों ने इनकी आवाज़ सुनी, वहाँ सिर्फ 2 बोरियां पड़ी हुई थीं, इसलिए इन लोगों ने एक दूसरे से कहा भाग जाओ क्योंकि ये लोग दुनिया के तलबगार हैं। चुनाचे वो भाग गए और ये लोग बैतुल माल के पास आ गए और इसे भी लूट लिया। इस मौके पर 2 किस्म के लोग थे, नेक लोग मातम कर रहे थे और रो रहे थे मगर बागी लोग खुश हो रहे थे। आखिर में ये लोग बहुत पशेमान हुए। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से निकल आए थे और मक्का मुअज्जमा के रास्ते में मुकीम हो गए थे ताकि वो इनकी शहादत के मौके पर वहाँ मौजूद ना रहें। जब वहाँ इन्हें हजरत उस्मान की शहादत की इत्तला मिली तो उन्होंने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिउन, अल्लाह उस्मान पर रहम करे और इनका मददगार रहे। इनसे कहा गया ये लोग अब पशेमान हो रहे हैं। आपने फरमाया उन्होंने बुरी साजिश की और जो वो चाहते थे वो पूरा नहीं हो सका, इनके लिए हलाकत है। फिर आपने ये तिलावत फरमाई जो सूरह यासीन की आयत है कि फला यस्ततीउन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिउन, और वो न वसीयत कर सकते और ना अपने घर वालों की तरफ लौट सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए तो उन्हें बताया गया कि हजरत उस्मान शहीद हो गए। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह उस्मान पर रहम करे और हमें खैर व आफियत अता फरमाए। लोगों ने फरमाया अब ये लोग पशेमान हो रहे हैं। इस पर आपने आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा यह है कि ये लोग शैतान की तरह हैं कि वो इंसान से कहता है तुम कुफ्र इख्तियार करो। जब वो काफिर बन जाते हैं तो वो शैतान ये कहता है मैं तो तुमसे बरी उज़िम्मा हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। इस वाक़े के बाद हज़रत साद बिन अबी वक़ास को तलाश किया गया तो मालूम हुआ वो अपने बाग में है। उन्होंने पहले से कह दिया था मैं इनकी शहादत के मौके पर मौजूद नहीं होंगे। जब इन्हें हज़रत उस्मान की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने ये फरमाया ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें दुनियावी ज़िंदगी में अकारत गईं, हालाँकि वो ये ख्याल थे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। फिर आपने फरमाया अल्लाह तू इन्हें अपने कामों में पशेमान बना और फिर इन्हें अपनी गिरफ्त में ले ले। मुगीरा बिन शोबा बयान करते हैं कि मैंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ये शख्स यानी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जरूर शहीद होंगे और अगर वो शहीद हो गए तो तुम मदीने में हुए तो लोग तुम पर एतराज करेंगे, इसलिए तुम बाहर निकल कर फला मुकाम पर रहो क्योंकि अगर तुम यमन के किसी गार में होगे तो लोग तुम्हें तलाश कर लेंगे। हजरत ने इनका यह मशवरा नहीं माना। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 दिन तक महसूर रहे, बाज ये भी कहते हैं। फिर इन बागियों ने दरवाज़ा जला दिया। इस वक्त घर में बहुत आदमी थे जिनमें अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और मरवान भी शामिल थे। ये लोग कह रहे थे कि आप हमें जंग करने के लिए इजाज़त दें। हज़रत उस्मान ने फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक बात कही थी, मैं इस पर साबिर हूँ। ये लोग दरवाज़ा नहीं जला रहे हैं बल्कि इससे बड़ी बात का मुतालबा कर रहे हैं, इसलिए मैं जंग करने से मना करता हूँ। इस पर सब लोग निकल गए। हज़रत उस्मान ने कुरान मजीद मंगवाया और इसमें से ये देख कर पढ़ने लगे। इस वक्त हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास आए और आपसे फरमाया तुम्हारे वालिद इस वक्त बहुत बड़े काम में मशगूल है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है हज़रत उस्मान ने हज़रत हुसैन बिन अली से फरमाया कि तुम्हारे वालिद इस वक्त बहुत बड़े काम में मशगूल हैं, लिहाजा मैं तुम्हें कसम खा कर ये कहता हूँ कि तुम चले जाओ। हज़रत उस्मान ने कबीला हमदान के एक शख्स अबू कर्ब और अंसार में से एक शख्स को हुक्म दिया कि वह बैतुल माल के दरवाजे पर खड़े रहें, और यही वो 2 लोग थे जो वहाँ पर जो 2 बोरियाँ थी उनकी हिफाजत पर मामूर थे।
जब लोगों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने के बाद बागियों ने आपका घर लूटना शुरू किया, तो यही वो दो लोग थे कि कबीला हमदान का एक शख्स अबू कर्ब और अंसार में से एक आदमी। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर और मरवान ने दुश्मनों का मुकाबला किया। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अब इब्ने जुबैर और मरवान को धमकाया और घर के अंदर घुस गए। जब वो हजरत उस्मान के पास पहुंचे तो वो दोनों भाग गए। मोहम्मद बिन अबी बकर ने वहां पहुंचकर हजरत उस्मान की दाढ़ी पकड़ ली। आपने फरमाया, तुम मेरी दाढ़ी छोड़ दो, तुम्हारा बाप इसे नहीं पकड़ता था। इस पर इन्होंने दाढ़ी छोड़ दी। इसके बाद कई लोग आ गए, किसी ने तलवार मारी और किसी ने जदोकोप किया, और एक शख्स भाला लेकर आया और इसने इन पर हमला किया। खून निकल कर कुरान मजीद पर बहने लगा। इसके बावजूद कि सब आपको कत्ल करने से डरते थे, क्योंकि आप उम्र रसीदा थे, इसलिए इस हालत में बेहोश हो गए। इतने में दूसरे लोग भी आ गए। जब उन्होंने आपको बेहोश देखा तो उन्होंने आपकी टांग को पकड़कर घसीटा। इस पर हजरत नायला और इनकी बेटियां चिल्लाने लगीं, और फिर नजीबी आदमी, एक आदमी था, इसका नाम था नजीबी, उसने अपनी तलवार निकाली, इसे आपके शिकम मुबारक में घोंपना चाहा, मगर हजरत नायला ने इस वार को रोका, जिससे उनकी उंगलियां कट गईं। इसके बाद इसने तलवार इनके सीने पर मारी और गुरूब आफ्ताब से पहले हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। उस वक्त एक शख्स ऐलान कर रहा था, आपको शहीद न किया जाए और आपका माल न लूटा जाए, मगर इन लोगों ने हर चीज़ लूट ली। फिर ये लोग जल्दी से बैतुलमाल की तरफ गए। दोनों मुहाफिज जो अशखास थे वो चाबियाँ फेंक कर भाग गए। आवाज बुलंद हुई कि भागो भागो, ये लोग यही चाहते हैं। अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद रिवायत करते हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर अमर इब्न हजम के घर से हजरत उस्मान के घर की दीवार पर चढ़ गए थे, और अमर इब्न हजम वही हैं जो हजरत उस्मान को जब ये बागी इधर उधर गाफिल होते थे तो पानी पहुंचा दिया करते थे। तो इन्हीं के घर की दीवार पर चढ़कर इनके साथ जो है किनाना इब्न बशर, सौदान इब्न हमरान और अमर बिन अल हक, ये लोग जो है इनके घर की दीवार पर चढ़कर फिर हजरत उस्मान के घर में कूदे। उन्होंने हजरत उस्मान को अपनी बीवी नायला के पास पाया। कुरान मजीद देखकर सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। मोहम्मद बिन अबी बकर ने आगे बढ़कर हजरत उस्मान की दाढ़ी पकड़ ली और कहा, ए बूढ़े बेवकूफ, अल्लाह ने तुम्हें जलील और रुसवा कर दिया। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, मैं बूढ़ा बेवकूफ नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह का बंदा और अमीरुल मोमिनीन हूँ। मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा कि मुआविया और दूसरे लोग तेरे काम नहीं आए। हजरत उस्मान ने फरमाया, ए मेरे भतीजे, तुम मेरी दाढ़ी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा बाप इस दाढ़ी को जिसे तुम पकड़ रहे हो नहीं पकड़ता था। मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा, अगर मेरे वालिद तुम्हारे ये आमाल देखते तो इन्हें सख्त नापसंद करते, और अभी जो कार्रवाई तुम्हारे साथ होगी वो इस दाढ़ी पकड़ने से ज़्यादा सख्त होगी। हजरत उस्मान ने फरमाया, मैं तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह ही से मदद का तलबगार हूँ। इसके बाद उन्होंने अपना भाला आपकी पेशानी पर मारा और किनाना बिन बशर ने इसे उस्मान के गोश मुबारक में घुसा कर हलक में दाखिल कर दिया। इसके बाद तलवार लेकर आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद रिवायत करते हैं कि मैंने अबू आउन को ये रिवायत करते हुए सुना है कि कनाना बिन बशर ने इनकी पेशानी पर और इनके सर के अगले हिस्से पर लोहे की सलाख मारी। इसकी वजह से हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पेशानी के बल गिर पड़े, और इस वक्त सौदान बिन हमरान मुरादी ने तलवार मारकर आपको शहीद कर दिया। और ज़्यादातर रिवायतों में यही आता है कि मोहम्मद बिन अबी बकर से जब हजरत उस्मान की ये बात हुई तो उस वक्त हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर ने हजरत उस्मान की दाढ़ी मुबारक छोड़ी और फिर घर से बाहर निकल आए। तो उनके साथ जो बाकी लोग दाखिल हुए थे, फिर उन्होंने हजरत उस्मान पर वार किया। उसमें किनाना बिन बशर भी है और सौदान बिन हमरान भी है, और ये लोग बहुत पेश पेश थे शहादत उस्मान में। तो अब्दुर्रहमान बिन अल-हारिस रिवायत करते हैं कि जिस शख्स ने आपको शहीद किया वो कनाना इब्ने बशर तजीबी था। तो इसका मैंने पहले भी जिक्र किया, इब्ने तजीबी भी बाज़ किताबों में इसका नाम आता है, बाज़ किताबों में कनाना इब्ने बशर भी आता है। जैसा कि मंजूर बिन सियार फुजारी की ज़ौजा मुहतरमा ये फरमाती हैं कि हम हज के लिए निकले तो हमें हज़रत उस्मान की शहादत का कोई इल्म न था। जब हम उरुज के मुकाम पर पहुँचे तो हमने एक शख्स को रात के वक्त ये शेर गुनगुनाते हुए सुना, आगाह हो जाओ कि तीन हजरात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के बाद बेहतरीन इंसान वो थे जिन्हें तजीबी ने शहीद किया जो मिस्र से आया था। अमर बिन अल-हक हमला करके हज़रत उस्मान के सीने पर बैठ गया। ये भी एक आदमी था जो आया था जबकि आपके अंदर कुछ जान बाकी थी। इसने इस वक्त आप पर नेजे के 9 हमले किए। माअल्लाह, अमर बिन अल-हक खुद कहता है, मैंने इनमें से 3 हमले अल्लाह के लिए किए और 6 हमले इसलिए किए कि मेरे सीने के अंदर इंतकाम की आग भड़की हुई थी। मूसा बिन तलहा ने बयान किया, मैंने उरवा बिन रेशम को देखा कि इसने शहादत उस्मान के मौके पर मरवान की गर्दन पर तलवार का वार किया।
واقعی عثمان بن محمد اخنسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان کا محاصرہ اہل مصر کے آنے سے پہلے ہوا، اہل مصر جمعے کے دن آئے اور انہوں نے اگلے جمعے کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ یزید بن ابی حبیب روایت کرتے ہیں، حضرت عثمان کو شہید کرنے کا کام نہران اصبحی کے سپرد کیا گیا تھا، وہ عبداللہ بن بسرہ کا قاتل تھا جو قبیلہ عبد الدار کے فرد تھے۔ ابو عون مولا مصور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مصر حضرت عثمان کو شہید کرنا اور جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر بصرہ اور کوفہ سے عراقی آئے اور شام سے بھی امداد آئی تو انہوں نے ان باغیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسی اثنا میں انہیں یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ عراق سے حضرت عثمان کی حمایت میں فوجی مہم روانہ ہو گئی ہے اور مصر سے بھی عبداللہ بن سعد نے فوجی امداد بھیجی ہے۔ اس سے پہلے ابن سعد مصر میں موجود نہیں تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا اور شام پہنچا ہوا تھا، اس لیے ان باغیوں نے کہا ہم فوجی امداد پہنچنے سے پہلے حضرت عثمان کا خاتمہ کر دیں گے۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے گھر کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مخاطب کر کے یہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے گئے تو تم نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تمہیں سنبھالے، تمہیں عزت دے، جب اللہ نے تمہیں سنبھال لیا، تمہیں عزت دے دی، تو اب تم اللہ کے ساتھ یہ بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ دیکھو اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور تم نے ہی دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں ایک ایسا خلیفہ عطا فرما، تو اللہ نے تمہیں خلیفہ عطا فرمایا جس کے ذریعے سے تمہیں اللہ نے عزت بھی دی، تو اب تم اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، کیا اللہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح کا میں خلیفہ ہوں گا؟ اگر میں صحیح خلیفہ نہ تھا تو مجھے کیوں چنا؟ تو بہرحال میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آیا تمہیں میرے گزشتہ کارنامے معلوم ہیں کہ میں نے کس طرح اللہ کے حقوق ادا کیے اور دشمنوں سے جہاد کیا؟ یا یہ وہ کارنامے جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے؟ تو کیا تم ان باتوں سے واقف نہیں ہو جو تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو صرف تین افراد کا قتل جائز ہے، سنو، شادی شدہ شخص جو زنا کرے، اسلام لانے کے بعد جو مرتد ہو جائے، یا کسی شخص کو کسی جرم کے بغیر کوئی قتل کرے۔ ان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں انسان کو قتل کرو گے تو تم اپنی گردنوں پر وہ تلوار رکھو گے جسے اللہ تعالیٰ قیامت تک تمہاری گردنوں سے نہیں ہٹائے گا۔ تم مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو ہمیشہ کے لیے تمہارے اتحاد و اتفاق کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر تم کبھی ایک جماعت نہیں ہو سکو گے۔ اس تقریر کا ان لوگوں نے یہ جواب دیا، آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اللہ نے جو کچھ کیا وہ خیر اور بھلائی پر مبنی تھا، مگر اللہ نے تمہاری حکومت کو دور ابتلاء قرار دیا اور اس میں اپنے بندوں کو مبتلا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے قدیم زمانے میں بڑے کارنامے انجام دیے، اور یہ کہ آپ خلافت کے مستحق تھے تو بے شک آپ کے گزشتہ کارنامے عہد رسالت میں شاندار تھے اور آپ خلافت کے مستحق تھے، مگر بعد میں جب آپ تبدیل ہو گئے اور ایسے نئے نئے کام کیے جن کا آپ کو علم ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو بہت سے مصائب میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنے والے سال میں فتنہ و فساد کے خوف سے حق و صداقت کے اصولوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ صرف تین قسم کے لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے، مگر ہم کتاب اللہ میں ان مذکورہ تین قسموں کے علاوہ دیگر اقسام کے لوگوں کا بھی قتل کرنا جائز پاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو بھی قتل کیا جائے جو زمین میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باغی کا جو بغاوت کے بعد جنگ کرے قتل روا ہے، اور اس شخص کا قتل بھی جائز ہے جو حقوق کے ادا کرنے میں حائل ہو اور اسے روکے اور اس پر جنگ کرے اور اس حق تلفی پر اصرار کرے۔ آپ نے بغاوت اور سرکشی اختیار کر رکھی ہے اور آپ حق و صداقت کی راہ میں حائل ہیں اور اس پر زبردستی اصرار کر رہے ہیں، اور جن پر آپ نے قصداً مظالم کیے ہیں ان مظالم کو رفع کرنے سے منکر ہیں، اور اس کے باوجود ہم پر زبردستی امیر بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی حکومت کرنے اور مال و دولت کی تقسیم میں ظلم کیا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم پر زبردستی کر رہے ہیں اور جو آپ کی حمایت کر رہے ہیں ہم ان سے جنگ کرتے ہیں وہ آپ کے حکم کے بغیر جنگ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ خلافت کے عہدے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس وقت بھی اپنے آپ کو خلافت سے معزول کر لیں تو وہ بھی آپ کی حمایت کے لیے جنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں ہوئیں اور وہ مصر رہے، اور آخر پھر انہوں نے محاصرہ تنگ کیا۔ ادھر سامنے کی دروازے پر حضرت امام حسن بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو غصے میں جلال میں آئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراض ہوئے۔ حضرت حسن نے کہا کہ والد گرامی ناراض نہ ہو، ہم تو سامنے کے دروازے پہ کھڑے تھے، یہ تو پیچھے کے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں معصوم شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پھیلی تو ایک عظیم و شان جو
इस्लामी हुकूमत थी उसमें एक अजीब सा फितना और फसाद की लहरें दौड़ पड़ी। और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा में जब हम उस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर खिलाफत का मामला फिर छिड़ा, तो उसको हमने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने पेश किया है। तो अब सीरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो अवायल दौर, जो खिलाफत के अवायल दौर का जो जिक्र है, उन मामलात को अब इन मामलात की रोशनी में आप देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें फिर समझ में आना शुरू होंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।